आप यहीं से हैं? हम आ गए थे भटकते भटकते। अच्छा अच्छा जी, कहाँ से हैं सॉरी? हम आए तो गए थे, मथुरा से हैं जी, और यहाँ आ गए थे किसी के धोखे के शिकार बन के। अच्छा, आ गए थे। कैसे धोखा? कैसे धोखा? ऐसा था कि अब हमें पता नहीं था कि एक कोई हैं यहाँ के कंप्यूटर बाबा। हाँ हाँ जी जी, बहुत पेपर में उनका आ रहा है, काफ़ी आ रहा है। हाँ, वो अब किसी राक्षस के सपोर्ट में बुला लिए। हम लोगों को क्या पता था, हम तो जब यहाँ आए तो सब पता पड़ा जी कि ये लोग तो राक्षस का सपोर्ट करते हैं जी। ये कैसे साधु हैं, एक तनु की तरह हैं, जो धर्म के मर्म को जानते नहीं, धर्म क्या है जी। और राक्षस से मायने मतलब? राक्षस का मतलब यही होता है कि जो आदमी निशंस बिना दोष के परम साध्वी जी को जेल में करवा दिया, उनको इतनी यातना मिली, इतना कष्ट दिया। जो आदमी हिंदू को आतंकवादी कहता था, जो आदमी जाकिर नाइक जैसे पापी को जो आतंकवाद पनपाता है उसको अपना आदर्श बताता है, भारत का शांति का दूत बताता है, और उसको कोई शांति का दूत नहीं दिखता है। जो वास्तव में शांति के दूत वाले संत हैं उनको उसको आतंकवादी दिखते हैं। ऐसे दुष्टों के समर्थन में साधु वेश लेकर के लोग ऐसा पाप कर रहे हैं जी, ये तो नरक में जाएंगे। तो आपको क्या बोला गया था? अब ऐसे ही बोला गया था कि यहाँ पर भंडारा भंडारा है, आ जाओ। हम लोग आ गए, हमें क्या पता था कार्यक्रम है, बड़ा सत्संग है, लेकिन ये तो पूरी तरह से राजनीतिज्ञ है जी। और अपनी राजनीति के राजनीतिज्ञ है। हाँ महाराज जी, पहले से राजनीतिज्ञ है। अच्छा। वो तो कांग्रेस का ही आदमी है पूरा। नहीं, राजनीति अब ये ऐसी राजनीति का क्या मतलब है? जो धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ये तो एक भी हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। दिग्विजय सिंह जी कितना भी प्रयास कोशिश करने के बाद भी दिग्विजय सिंह को जीतना नहीं है। यहाँ से प्रज्ञा सिंह को ही जीतना है, यहाँ से बीजेपी को जीतना है, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है।